इस सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और पहले बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन्होंने इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है और इसको सीरियसली लेना भी चाहिए। हमने केंद्र में भी इस सिलसिले में बातचीत की है और वहाँ से भी इस सारे विषय को लेकर के ये जानकारी हासिल की जा रही है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। लेकिन विशेष तौर से मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमने SIT कॉन्स्टिट्यूट की है और SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद सारे इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी हुई है और इसके साथ साथ में जो पूरे हिमाचल प्रदेश को जो अलर्ट की दृष्टि से हमने जो एक नया कदम उठाया है, तो उसमें जो ख़ास तौर से जो हमारा हिमाचल के साथ बॉर्डर है उसमें सर्विलेंस बढ़ाने के लिए, ताकि हम सारी चीज़ों को इस प्रकार से दोबारा घटित होने से रोक सकें। और इसके अलावा जहाँ भी हिमाचल प्रदेश में जो हमारा इंटरनल जो हमारा सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी के साथ साथ में इंटेलिजेंस का इनपुट हमको ज़्यादा मिले, जल्दी मिले, और इस सारी बात को लेकर के हमने पुलिस डिपार्टमेंट को कहा है कि अलर्ट होकर के हमको काम करने की आवश्यकता है, ताकि दूसरी बार ऐसी घटना घटित ना हो और हमारे समाज के बीच में इस प्रकार के माहौल को ख़राब करने के लिए कोई हिम्मत ना करे। लेकिन अब देखिए, अभी तक मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल तो हमने जो SIT कॉन्स्टिट्यूट की है तो वो बेहतर ढंग से, कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने कह दिया कि एक तो हमने जो जो पुलिस का जो पेपर लीक होने का जो विषय आया था कॉन्स्टेबल की भर्ती का, तो उसके लिए SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात हमने पहले तो एक ही निर्णय किया है सीरीज, क्योंकि सरकार की मंशा बड़ी साफ है। हमने पहला एक निर्णय ले लिया कि पहले तो उस पेपर को रद्द करना चाहिए ताकि इस पर उंगली उठाने की कोई गुंजाइश ना रहे, और दूसरा इसके पीछे लोग कौन हैं और उन लोगों को कहाँ से